वन साइडेड एरर्स क्या हुई बच्चे विच इफेक्ट वन अकाउंट है ना वन एस्पेक्ट वन वन साइडेड एरर्स आर इफेक्ट एस्पेक्ट तो और नॉर्मली हमें पता है कि ये जो आई एर है दे इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस नॉर्मली दे इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस नाउ एरर्स दे कैन बी रेक्टिफाइड बाय

by opening suspense account so new account is opened suspense account so this ledger account this ledger account is prepared only if the accounts are not closed that is before the closing of accounts क्लोजिंग कब करते हैं हम अकाउंट्स की लेजर अकाउंट्स की दैट इज उनको हमने बैलेंस नहीं किया जहां हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया लेकिन सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करते हैं हम आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स सो वी आर डूइंग वन साइडेड एरर्स बेटा वन साइडेड एरर्स एरर्स आर दोज विच इफेक्ट वन अकाउंट वन आस्पेक्ट ओनली ठीक है इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं दिस कैन बी रेक्टिफाइड बाय प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स

यू नो मिक्स बैक कि आपके पास कोई जो एरर है वो सेवन वन साइडेड भी हो सकती है कोई एरर जो है वो टू साइडेड भी हो सकती है तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है वेदर दिस एरर इज वन साइडेड एरर और दिस एरर इज टू साइडेड एरर तो सबसे पहले मैं uh, आपको एक uh, बता दूं कि इफ द बुक्स बुक्स मैंने आपको पता है बुक्स कौन कौन सी होती हैं Book, book. Yes, book, book, right? ई भी बुक ओवर कास्ट है या अंडर कास्ट है ओवर और अंडर कास्ट का मतलब है कि उसमें टोटली गैर है यू रिमेम्बर हम बुक को लास्ट में टोटल करते थे तो वो हमने टोटल गलत कर दिया है उसको ज्यादा ज़्यादा शो कर दिया या कम शो कर दिया है तो अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग ऑफ बुक्स आर नोन एज एस... वेट बेटा हाँ जी सो अगर आपकी बुक्स परचेजेस बुक सेल्स बुक परचेजेस रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो जाती है राइट तो दैट इज वन साइडेड साइड प्लीज रिमेंबर दिस थिंग इफ द बुक्स ओवरकास्ट और अंडरकास्ट कास्ट आर वन साइडेड बुक नाउ रुपीना यू टेल मी परचेजेस का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट या क्रेडिट मैम डेबिट सेल्स का

है ना जब हमने ज्यादा कर दी बुक Riverses. शो कर दिया ज्यादा शो कर दिया तो हमें उसे रिवर्स करना है रिवर्स का मतलब है अगर परचेजेस बुक नॉर्मली डेबिट होती है तो हमें उसे क्या करना है क्रेडिट अगर आपकी बुक अंडर कास्ट है तो हमें उसको सेम ट्रीटमेंट ठीक है yes. अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूं परचेजेस बुक आपको दिया हुआ है परचेजेस बुक वॉज अंडर कास्ट बाय फाइव हंड्रेड शिवांश यस मैम नाउ हियर परचेजेस बुक अंडर कास्ट बाय फाइव हंड्रेड अब आप मुझे ये बताओ हमें यहाँ पे परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट डेबिट डेबिट क्योंकि कम है तो उसको ज्यादा करना है ज्यादा करना है तो हमें सेम उसको फॉलो करना है सेम ट्रीटमेंट तो यू आर एंट्री ऑब्वियसली बी डेबिटेड विथ फाइव हंड्रेड नाउ यू डोंट नो द अदर एस्पेक्ट है ना यू डोंट नो द अदर दस्पेक्ट दिस इज कॉल्ड सिंगल साइडेड एरर वन साइडेड अब दूसरी साइड को हम कंप्लीट करने के लिए क्या लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट

One sided error rather to rectify the errors which affect trial balance. Right? And it is opened to complete the double entry. I hope it is clear. Yes, ma'am. Okay. Second is. Sales book overcast by hundred. Hanji uh Dhananji, you tell me. Uh, yes, ma'am. Uh, it would be um, sales account debited or yes. To suspense account. Yes, to suspense account. Why we have debited sales account? Because over. Ho gaya. Over. Mein hume, normally, sales account is credited, but now we will debit it. Fine, right? Is it clear? फर्स्ट so मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि अगर आपकी बुक ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हुई है तो हमें उसे कैसे रेक्टिफाई करना है बाय ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट लिखो पहले नोट डाउन कर लो फटाफट से ये जैसे ये देखो थर्ड इज रुपीज सिक्स ट्वेंटी रिसीव्ड फ्रॉम मोहन और इसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर आपको लगता है कि आप नहीं तो राइट रॉन्ग करके कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट नाउ देखो जब भी पोस्टिंग वर्ड आए पोस्टिंग राइट पोस्टिंग हम लेजर में करते हैं इट मीन ओनली लेजर अकाउंट इज अफेक्टेड सो दिस इज अगेन वन साइडेड एरर रुपी सिक्स ट्वेंटी रिसीव्ड फ्रॉम मोहन हाँ जी अनुष्का आप बताओ बेटा इसमें मोहन के अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था कि क्रेडिट वट वॉज द राइट आस्पेक्ट मोहन शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड मोहन शुड बी क्रेडिटेड ये मोहन शुड बी क्रेडिटेड

जो हमें करना चाहिए था मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था वो हम करेंगे और जो हमने गलती से डेबिट कर दिया उसे रेक्टिफाई करने के लिए मोहन को फिर से क्रेडिट करेंगे तो मोहन विल बी क्रेडिटेड विद डबल एक तो हमें उसे पहले ही क्रेडिट करना था दूसरा हमने जो उसे गलती से डेबिट कर दिया उसे भी क्रेडिट करना है तो मोहन विल बी क्रेडिटेड विद ट्वेल्व फोर्टी अब डेबिट किसको करेंगे नो आस्पेक्ट इज देयर तो सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट ये एंट्री में किसी को डाउट है तो पूछो बच्चे हमें राइटली उसे क्रेडिट करना था लेकिन हमने गलती से उसे डेबिट कर दिया तो हमें जब इसको रेक्टिफाई करना है तो हमें मोहन को डबल uh, अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा किसी को, को कोई डाउट है इस एंट्री में नो ओके। गुड। नेक्स्ट इज द टोटल ऑफ टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ बीज अकाउंट ओवर एडिड बाय एट हंड्रेड प्लीज थिंक ऑफ ऑफ इट क्रेडिट अकाउंट हमने बी अकाउंट को क्रेडिट किया है लेकिन उससे हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया एट हंड्रेड से हाँ जी रूपना आप बताओ इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे मैम रिवर्स कर देंगे रिवर्स बताओ क्या करेंगे फिर uh, मैम डेबिट कर देंगे फिर बीज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट जी नेक्स्ट इज गुड्स ट्वेल्व हंड्रेड प्लीज नोट डाउन करते जाओ सारुड्स ट्वेल्व हंड्रेड रिटर्न टू के एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक but not posted to his account now you have to understand ki yahan pe kya mistake hai aur hame kaise usko rectify karna hai goods 1200 returned to k entered in purchases return book हमने purchases return में डाल दिया उसको और ये purchases returns ही है हाँ जी धनंजय Plasma. goods return to k is it sales returns or purchases returns oh, purchases purchase returns. purchase returns we have entered in purchase return book but it's not posted to his account now how can we rectify it um, his account i in k. like when we it would be it should be debited Yes, it should be debited, but we have not debited him. Posted to his account means we have not debited him. What should be the uh, rectified entry then? Uh, K's account debited. Hmm. To suspense account. To suspense account, right. Anyone doubt in this? Anyone doubt in this? Okay. Mm -hmm. Next, credit sales to Gopal ten thousand were recorded in Purchases Book. But Gopal's account Gopal's account was correctly debited। हाँ जी शिवांश आप बताओ बच्चे बाकी प्लीज ट्राई करो इसको थिंक ओके Ma'am, there there will be no rectification. Okay, there will be no rectification. Why, Veta? Because the question is saying Gopal's account was correctly debited. Only Gopal's account is correctly debited. What about the other accounts? When uh, you sold goods to Gopal, what should be the journal entry? Uh, Gopal's account debited to sales account. Right, but what he has done, he recorded it as purchases.

टू परचेजेस टू सेल्स गोपाल नहीं आएगा गोपाल इज करेक्टली एंटर्ड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट नाउ व्हाट विल बी द डेबिट एस्पेक्ट सस्पेंस यस अगर ये लाइन नहीं दी होती ना हमें तो हमारा यहाँ पे गोपाल आना था डबल अमाउंट के साथ बट इट इज रिटर्न दैट गोपाल इज करेक्टली एंटर्ड तो हमारा सस्पेंस आएगा परचेजेस में भी जाएगा टेन थाउजेंड सेल्स में भी जाएगा टेन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड सस्पेंस में जाएगा किसी को इस एंट्री में कोई डाउट सी वेन वेन वी सोल्ड गुड्स टू गोपाल द करेक्ट एंट्री इज गोपाल टू सेल्स बट वी हैव रिकॉर्डेड इन परचेज इज बुक द रोंग एंट्री इज वीव रिटर्न परचेज इज अकाउंट डेबिट बट गोपाल इज करेक्टली एंटर को कट कर दो अगर मैं यहां पे भी गोपाल 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 तो Gopal को को कर दो। Because उसने लिखा है डेबिट so किया दैट इज रॉन्ग उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट करेंगे okay. sales को हमें करना ही है करेक्ट तो okay. so, उसे टू सेल्स करेंगे तो जो आपका डेबिट एस्पेक्ट है that will be 20,